हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 इंट्रोडक्टरी एग्रो मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज का पेपर सॉल्व करवाएंगे। जो बुकलेट सीरीज आपका सी है, ये पेपर राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा 2023 में कराया गया था। अगर आप इस समय बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेम के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चाहे आप जिस भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हों, चाहे आप कानपुर विश्वविद्यालय के हों, मेरठ के हों, झांसी विश्वविद्यालय, या आप किसी भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, अगर आपके कॉलेज में ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि ऐसी जो ओल्ड पेपर होते हैं उनसे ही आपके जो एग्ज़ाम आते हैं उनसे एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस रखे जाते हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड आउट करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कि आज का फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन से क्या है, आपका पहला क्वेश्चन से दिन प्रतिदिन की मौसम की स्थिति को संयोजन करता है, तो वेदर क्लाइमेट तो कौन करता है भाई, वेदर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन से आपका वर्षा के रूप हैं ओला, फुहारा, बर्फ, गोली या सभी, तो ये सभी वर्षा के रूप है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका क्लाइमा शब्द का अर्थ है, तो इसका जो शब्द का अर्थ क्या है, अक्षांश, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, इसका जो आपका राइट आंसर होगा स्लोप होगा, ठीक है। इसका जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे अत्यंत अल्पावधि अनुमान बीएसएफ तक की अवधि का होता है, पूछ रहा है अत्यंत अल्पावधि अनुमान तक की अवधि होता है तो कितने घंटे की अवधि होते हैं, 12 घंटे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे केंद्रीय मौसम विज्ञान वेधशाला स्थित है, तो ये आपका न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन से जो वो पूछ रहा है वर्षा मापी यंत्र का नाम क्या है, यानी जिससे आप वर्षा मापते हैं उसको क्या कहते हैं, बैरोमीटर, एनीमोमीटर या रेन गेज, तो इसको रेन गेज कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन से आपका वर्षा जैसी मौसम की घटनाएं होती हैं तो किस में होती हैं, तो वायुमंडल में होती हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मुख्यालय स्थित है, तो ये आपका न्यू दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका भारत में मानसून के आरंभ की स्थिति क्या है, तो एक जून है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका फसल उत्पादन के लिए अनुकूल तापमान होना चाहिए, तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका उत्तर प्रदेश के कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, तो 9 बांटा गया है। भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है ये आप कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे कितने हैं, 9, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और आपको कमेंट में भारत का बताना है कि भारत के कितने जलवायु, ठीक है। अगला क्वेश्चन से आपका विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो ये आपका 23 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। अगला है आपका भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो 15 है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन से वर्षा वाले बादल हैं, तो वर्षा वाले बादल कपासी वर्षा, स्त्री मेघ वर्षा या ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका दिन और रात पृथ्वी के परिणाम हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन से आपका पृथ्वी और सूर्य के सबसे निकटतम बीच की दूरी है, तो ये इसकी जो बीच की दूरी है तो 147 मिलियन होता है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन से आप देखेंगे रेडियो संचार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत उत्तरदायी है, तो इसका आयन मंडल, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे पृथ्वी के तरल भाग को इस रूप से भी जाना जाता है, तो आपका इसका जल मंडल के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, एक वर्षा का दिन वह जो दिन में वर्षा प्राप्त होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 2.2
2.5 मिली या इससे अधिक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आंसर हो, कितना 2.5 मिलीमीटर या अधिक उससे एमएम से। अगला है आपका, अल्पावधि मौसम पूर्वानुमान की अवधि के लिए उपयुक्त है, तो इसका आंसर है आपका, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 1 से 3 दिन यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे, नेक्स्ट है आपका ग्लोबल वार्मिंग। चलिए यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो सर्वप्रथम इसका जो प्रयोग है कब हुआ था भाई, ये 1975 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप 22 देखेंगे, ओजोन परत को क्षति हानि पहुँचाने वाला प्रमुख उत्पाद है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड हैलेस, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप, कार्डिनल तापक्रम है, तो ये क्या है आपका, अधिकतम तापक्रम, न्यूनतम, उपयुक्त, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर मौसम पूर्वानुमान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो ये आपका तापमान है यहाँ पे, टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, तो वेरोमीटर से नापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे, अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, तो ये आपका हेयर हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, कम अपेक्षिक आर्द्रता में सम्मिलित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा, ए और बी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारी वर्षा वाला बादल है, तो इससे जो भारी वर्षा बादल है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, निम्बो स्ट्रेटस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे, उच्च बादल किस प्रकार के होते हैं, तो ये आपका सीरस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, सौर विकिरण के मापन के लिए यंत्र प्रयोग होता है, तो ये आपका कौन सा, पाइरेनोमीटर होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे आप, शुष्क जलवायु पर्यायवाची है, तो ये आपका उपयुक्त तो सभी का है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, पृथ्वी के ठोस पदार्थ को कहते हैं, तो लिथोस्फीयर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन से देखेंगे कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से मौसम का उदाहरण है, तो मौसम का उदाहरण क्या है आपका बताइए, वो दिन, वर्षा, बादल का मौसम, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला देखेंगे आप, निम्बस शब्द संबंधित है, तो किससे संबंधित है, वर्षा से आपका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला देखेंगे आप, क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, यहाँ पे बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। मौसम के मुख्य तत्व हैं, तो टेम्परेचर एवं अपेक्षिक आर्द्रता, बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका। अगला देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सी गैस 50% वैश्विक उष्मीकरण में योगदान देता है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से आपका, अल्पावधि मौसम पूर्वानुमान सहायक है, तो यहाँ पे इसका ऑल ऑफ दीज होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, सतही अपवाह निर्भर करता है, तो ये उपरोक्त तो सभी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, दीर्घावधि मौसम पूर्वानुमान सहायक है, तो ये किसमें सहायक है भाई, कि ये पूछ रहा सिंचाई को स्थगित करने के लिए, ये यहाँ पे पूछ रहा है कि दीर्घावधि मौसम पूर्वानुमान सहायक है सिंचाई को स्थगित करने के लिए, शस्य कार्यक्रम के चुनाव करने के लिए, कीटनाशक के प्रयोग करने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 40 का। ठीक है, ये आप लोगों के लिए छोड़ दिया है कि ये पूछ रहा है कि दीर्घ अवधि, यानी दीर्घ अवधि में जब सिंचाई करते हैं तो उससे क्या आपको फ़ायदा होता है, ये पूछ रहा है, किस चीज़ की प्रिपरेशन करने के लिए आपको टाइम मिल जाता है। ठीक है, हवा की गति मापी जाती है, तो हवा की गति जो मापी जाती है एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ। विश्व मौसम विज्ञान संगठन स्थित है, ये आपका जिनेवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का।
क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, भारत में कृषि मौसम विज्ञान के जनक हैं, तो कौन है यहाँ पे जनक? डॉक्टर एल ए दास। यहाँ पे कौन है भाई? भारत में एल ए दास है। भारत में कृषि मौसम विज्ञान के जनक कौन है? डॉक्टर एल ए दास है। और वर्ल्ड में कौन है? डी एन वालिया। डी एन वालिया ये वर्ल्ड में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जलवायु परिवर्तन के कारण होता है, तो ऑप्शन इसमें क्या? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही होगा। अगला है आपका, भारत के किस भाग में दक्षिण पश्चिम और उत्तरी पश्चिम मानसून दोनों में वर्षा होती है? तो यहाँ पे अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है आपका, कौन सी फसल सूखे के प्रति अत्यधिक अवरोधी है? तो ये आप सब जान गए होंगे इस क्वेश्चन में कौन है, तो बाजरा है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ओजोन। वर्षण के मुख्य अंग है, तो वर्षा, पाला, कोहरा, उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाला कारक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे आप, वायुमंडल में पाई जाने वाली कौन सी एक निम्नलिखित ऊर्जा है? तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा, सभी ये ऊर्जा पाई जाती है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। आप क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, 51 में आपका पूछ रहा है कि प्रतिकूल मौसम की दशा है, तो प्रतिकूल मौसम की दशा क्या है? तो उपरोक्त सभी आंसर होगा इसका, ठीक है। अगला देखेंगे आप, भारत में कितने कृषि परिस्थितियाँ क्षेत्र हैं? तो भारत में कितने? 20 हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, अगले 3 से 5 कार्य दिवसों में मौसम का अनुमान कहलाता है, तो मौसम पूर्वानुमान कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यहाँ पे पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन है आपका, असामान्य मौसम की स्थिति के कारण क्षेत्र की सामान्य रूप से बोई जाने वाली अत्यधिक लाभदायक फसल के स्थान पर उपयुक्त फसल उगाना क्या कहला जाएगा? आकस्मिक सस्यन आपका, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। अगला है आपका फसल, अगला क्वेश्चन है आपका, फसल शीघ्र वृद्धि एवं विकास तथा परिपक्वता के कारण सूखे से बच जाती है, तो क्या कहलाता है? ये आपका सूखा सहिष्णुता, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है आपका, क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? यानी जब आर्टिफिशियली वर्षा कराते हैं तो उसके लिए कौन सा ये तत्व है, रसायन है जो प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला है आपका मानसून शब्द है, तो ये एक अरबी भाषा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। वर्षा बूंदों का व्यास कितना होता है? तो इस क्वेश्चन से में डाउट है थोड़ा, आप इसको बुक से देख लीजिएगा इसका व्यास कितना होता है, ठीक है, शायद ए सही होना चाहिए, पर देख लेंगे आप इसे। अगला आपका, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी स्थित है, तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है आपका, एक समान वायुमंडलीय दाब को कहते हैं, तो समदाब रेखा कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की जलवायु है, तो राजस्थान की जो जलवायु है कैसी है? गर्म और शुष्क जलवायु है राजस्थान की, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा यहाँ पे। अगला है आपका, दैनिक परिवर्तन गति के द्वारा के समय वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन होते हैं, तो डे नाइट के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा आपका, यहाँ पे दिन और रात लिखा है ना। अगला है आपका, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य रूप से पाई जाने वाली गैसें हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा सर, CO2, CH4N2O तथा CFCS, ये इसका राइट आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आप देखेंगे, पृथ्वी पर पाई जाने वाली जलवायु की चर्चा करने वाला विज्ञान कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्लाइमेटोलॉजी, एग्रोमेटोलॉजी या वेदरोलॉजी, तो उपरोक्त सभी होगा, सभी के द्वारा यहाँ पे मौसम का जानकारी दी जाती है। अगला आपका, NISAT का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन नेशनल
इंडियन नेशनल सैटेलाइट है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए रहा यहाँ पे सही होगा, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह। अगला है आपका 67 में पूछ रहा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी, तो ये आपकी कब हुई थी, 1950 में हुई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो इसे सही करेंगे हम 1951 को, ये कब हुआ था, 1950 में हुआ था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखेंगे आप, मौसम पूर्वानुमान की विधि है, तो इसकी जो मौसम पूर्वानुमान की विधि क्या है, समदाब प्रवणता विधि या मार्ग विधि या आपका भूपक्षीय विधि, तो इसे आपको छोड़ देना, ठीक है, बस इसका डी ही होना चाहिए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, स्वचालित वर्षा मापक यंत्र है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका हाइड्रोग्राफ होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको अच्छे से रीड आउट करिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, जितने भी बी एस सी एग्रीकल्चर फोर्थ सेम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो वगैरह हम प्लेलिस्ट बना दिए बी एस सी एजी फोर्थ सेम के नाम से, वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।